मानव एकता दिवस पर हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, मंडलायुक्त ने फीता काटकर किया शुभारंभ। दादा पी जा रहे हो? मैं राष्ट्रीय सेवा संस्थान का संस्थापक अध्यक्ष राजेश गौर, मुझे बहुत ही सौभाग्य का विषय मिला कि यहाँ आज का संत द्वारा इतना विशाल अपने आयोजन का ब्लड डोनेशन का किया गया और मुझे अवसर मिला साहब को मैं लाऊँ और उस हिसाब से मुझे आशीर्वाद दिया। और यह जो टीम है, टीम स्पिरिट की भावना मैंने देखी, बहुत अच्छी है। मानवता के लिए समर्पित जो भावना है, जो इंसान को एक इंसान समझती है, कोई धर्म भेद पार्टी का बंधन नहीं समझती है, इन सबको मिला के सब लोग एक भावना से पूरी टीम इतनी अच्छी भावना से पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं। डोनेटर आए हुए हैं 400 डोनेटर रहेंगे, ये इनके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और उन्होंने वो समय जो बढ़ा देने के लिए समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस संस्था के लिए मैं तन मन से हमेशा तत्पर रहूंगा, जब भी मुझे आमंत्रण मिलेगा या कोई सेवा का अवसर मिलेगा, मैं 24 घंटे उनके दरबार मेरे दरबार इनके लिए खुले हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गौड़, राष्ट्रीय सेवा संस्थान। आप सभी को पता है कि आज ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, ये संत निरंकारी मिशन के लोगों द्वारा आयोजित है। इसमें इनकी जो इस एरिया की जो हेड है माता कांता जी, मुझे पता नहीं, और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में इस मिशन के फॉलोअर्स यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए उपस्थित आए हैं। मुझे बताया गया लगभग कम से कम 400 जो है यूनिट्स जो है ब्लड अवश्य यहाँ डोनेट करें। आप जानते हैं कि जो है सभी दानों में रक्तदान महादान कहा गया है, और मैंने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप अटेंड किए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में और जो है रक्तदान करने वाले जो है किसी भी कैंप में आज तक मैंने नहीं देखे। 100 की संख्या भी कंप्लीट करना मुश्किल होता है, लेकिन ये बताया गया है कि इस मिशन का अपना स्वयं का भी एक ब्लड बैंक दिल्ली में है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। और ये विश्व के उन संगठनों में है जो सबसे अधिक रक्तदान करते हैं। इसके लिए मैं मिशन के जो भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर हैं, सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ अलीगढ़ परिक्षेत्र में और इस मंडल में मिशन के माध्यम से लोग लाभान्वित होते रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संगठनकारी कैंप का आयोजन करता है, अच्छी रक्तदान शिविर का आयोजन करता है, जिसमें लोग आस्था एक जुड़ी जाती बढ़ करके लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर दो टीमें आती हैं, गवर्नमेंट वाले ब्लड बैंक की टीम होती है, हमारी की दो टीमें होती है, दो टीमें यहाँ आती हैं काम करती हैं। मैं अपने ब्लड बैंक की बता सकता हूँ कि आज हम लोग इस ब्लड को खोले जाते हैं, चार पार्ट हम लोग करते हैं, इससे एक यूनिट ब्लड से चार लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। इसमें जिसको जरूरत होती है PRBC अलग करने से, प्लेटलेट अलग करते हैं, प्लाज्मा एफ्रेसिस करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे जरूरत होती है उनके ब्लड की स्क्रीनिंग होती है, जिसमें हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस और HIV 5 की जाँचें करते हैं। अगर इनकेस किसी को ब्लड में इन्फेक्शन आता है तो उनको अपने पास हम बुला लेते हैं और उनको एप्रोप्रिएट यूनिट में हम उनको रेफर करके उनका प्रॉपर तरीके से इलाज करवाते हैं, जिससे ब्लड की स्टेटस पता लग जाता है। जो डोनर होते हैं, अभी ऐसे कोई डोनेट करता है उसको अपने स्टेटस को ब्लड का नहीं पता रहता, लेकिन अगर ये ब्लड जाता है उसको अपने ब्लड की जब स्क्रीनिंग होती है अपना स्टेटस पता लग जाता है कि हमारे ब्लड का स्टेटस क्या है। तो ये स्क्रीनिंग बाहर लोग तो बहुत कम करा पाते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ती है, हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से करा रहे हैं। अभी हमारे पास एक मशीन है जो कि हम लेकर के आए हैं, पूरे हमारे UP में नंबर 1 की एक मशीन है, जिसके द्वारा जो भी ब्लड एंडो पीरियड ये ब्लड डोनेशन हमारे गुरु जी बाबा गुरबच्चन सिंह जी तो की हत्या की गई थी, तो सारा मिशन खड़ा हो गया था कि हम इसका बदला लेंगे। तो बाबा जी ने, जब बाबा देव सिंह जी गद्दी में बैठे, तो इन्होंने कहा हम खून बहा के बदला नहीं लेना, हमारा खून मरीजों के दुखियों की नालियों में जाए, नालियों में नहीं बहाने। तब से ब्लड कैंप शुरू हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, ब्लड देने में हमारा मिशन फर्स्ट नंबर पे। अमेरिका वालों ने बाबा जी को इसका फर्स्ट अवार्ड दिया था ब्लड कैंप में, पूरे वर्ल्ड के अंदर मिशन हमारा फर्स्ट नंबर पे। हर शहर में ये ब्लड
कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि हम देश के भी नागरिक हैं, इस भारत के रहने वाले हैं। जो भी भारतवर्ष की निजम जो इनके प्रति हमारी ड्यूटीज हैं वो हम पूरी निभाते हैं, जैसे स्टेशनों की सफाई, अस्पतालों की सफाई, सड़कों की, पेड़ लगाने की, जहाँ जहाँ भी गार्डनों की सफाई करनी, जहाँ जहाँ भी जो भी हुक्म आदेश आते हैं सारा मिशन हमारा खड़ा हो जाता है और सत वचन कहकर और ये उस काम में जुट जाते हैं। इस तरह ये ब्लड कैंप 500 यूनिट एक शहर में हर ब्लड कैंप में लेते हैं, तो ये स्पिरिट भी गुरुजी ने भरी है। आज देखते हैं भाई भाई को ब्लड नहीं देता, बाप बेटे को नहीं देता, बेटा बाप को नहीं देता, इधर